funded scheme by the Modi government. Now, I have to say just about a few things. One, that this is not the only scheme about which they are talking big. They are making tall claims. They made a tall claim about Swachh Bharat. They made a tall claim about Beti Bachao, Beti Padhao. What has happened? Has India become Swachh? Have the girls and women got more security? You know that violence against women is increasing day by day. The same applies to the Ujwala Yojana. So their promises and their claims all are false. What they spend more on is not on the actual scheme. For example, in Swachh Bharat, they have not spent money on the corporation employees, the Safai Karmacharis. They have spent on the advertisements of Shri Narendra Modi. The same applies to Ujwala Gas Yojana. How many women, you have heard Farida and her friend from Bhavana, Preeti Devi from Bhavana, that the beneficiaries are few and far between. Bahut kam logon ko mila hai, jitne logon ne form bhare, utne logon ko nahi mila hai, bahut selective tarike se mila hai. Milta hai to bhi unhone aap logon ko bata diya kya milta hai. Lekin sabse badi musibat, chalo chula kharab hai, jo toot gaya bhari cheez rakhne pe. Hame parson hi ek aurat bata rahi thi ki bhari kuch rakha to chula toot gaya. लेकिन सबसे बड़ी जो उनको मुसीबत हुई वो ये है, सिलेंडर भरवा लिया, यूज़ किया, अब जब उसको रीफिल कराने गए तो पता चला आपको इस पे सब्सिडी नहीं मिलेगी. अरे क्यों नहीं मिलेगी भाई, वो उज्ज्वला में लिया है ना, आपको कितने कम पैसे में दिया है, 1500, 1700, 2100, अगर आप रेगुलर लेने जाओ तो कितने हज़ार में आएगा, तो हम कहाँ से भरेंगे ये, तो सब्सिडी कम करके ही. तो अगर एक साल तक महिला वो सब्सिडी बिना सिलेंडर ले, उससे तो अच्छा है वो रेगुलर गैस कनेक्शन ले ले, कम से कम चूल्हा तो सही मिलेगा. इसलिए घर में सजाने के लिए वो सिलेंडर एक तरफ रखा है और इस्तेमाल क्या कर रही है, वही अपना जो पहले करती थी, केरोसिन है या कोयला है या जो भी है इस तरह से. तो दिक्कतें लोगों की, जो स्वच्छ भारत का जो एक बड़ा नारा था चुनाव के पहले, जो तारणहार आ रहा था, और वो सिलेंडर मिला है तो वो कोई फ्री में चूल्हा और सिलेंडर नहीं है, कहीं पर 1500 रुपये, कहीं पर 1750 रुपये, कहीं पर 2100 रुपये. तो इस तरीके से ये उज्ज्वला योजना के तहत मिला है. और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां वो उस कैटेगरी के अंदर आते हैं और उन्होंने फार्म भरे लेकिन उनको उज्ज्वला गैस योजना के तहत गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं मिला है. और इसमें जो चूल्हा की जहां पे जिन भी महिलाओं को मिला है उसमें वो चूल्हे की क्वालिटी इतनी ख़राब है कि वो एकदम तुरंत वो ख़राब हो रहा है. तो इसी तरीके से हमने ये जो पूरा दिल्ली भर में प्रचार किया और इससे जो मोदी सरकार कह रही है कि हमने जो महिलाओं को धुआं से मुक्त किया है, तो ये एक एक एकदम महिलाओं के साथ धोखा दिया है. और जितने भी जिस तरह की स्कीम्स का ऐलान मोदी सरकार कर रही है वो पूरा धोखा है, जुमलेबाजी है. और हम जब दिल्ली देश की राजधानी है, कैरोसिन बंद होने के बाद जब ये सारा कहा कि हम आपको गैस चूल्हा देंगे लेकिन कहीं पर भी फ्री नहीं है. और लगातार हम लोग, हमारी जो महिलाएं मांग कर रही हैं कि हमें इलाकों के अंदर कोई गैस चूल्हा फ्री नहीं मिला है. तो ये जो मोदी के जुमले, ये हम अब बर्दाश्त नहीं करेंगे. ये पूरा धोखा है और पूरा ये प्रचार जो कर रहे हैं कि हमने विकास किया है, हमने महिलाओं को सुरक्षा दी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ये सब खोखले नारे हैं. और इसी के खिलाफ हम लगातार जनवादी महिला समिति दिल्ली और देश भर में हम लोग लड़ रहे हैं कि ये जुमलेबाजी अब नहीं चलेंगी. यही कह के मैं अपनी बात, थोड़ी आदमी का मिला है शायद 20-25 इतना ही मिला है, तो उसमें 2000
1850 इतने मिला, लेकिन उसमें जाति के ऊपर है जो एक मुस्लिम महिला के मिला था, तो दोबारा उनको कनेक्शन आने के बाद उनको और मिला ही नहीं है, बंद कर दिया गया। लेकिन ये धर्म जाति देख रहा है, कोई छोटा जाति है कोई बड़ा जाति है, मुस्लिम के लिए कोई फ्री कनेक्शन मिल रहा है। तो उसमें बहुत महिला गोसा से है, जो हमें जो किरासिन तेल मिल रहा था वही सही था। अभी मोदी जो बोलता है हम इतना करोड़ सिलेंडर फ्री में बांटा है, ये तो झूठा है, इसमें हमें फ्री नज़र नहीं आया। लोग नाराज है, लेकिन जो लोग के मिला है वो फैक्ट्री में काम करते हैं, इसलिए आज आ नहीं पाया मेरा सर, और उसको 200 रुपया भैयारी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए हमारा साथ नहीं आ पाया। तो हमने इतना बड़ा इलाका में हमें इतना ही मिला है और कुछ ज़्यादा नहीं मिला है। ये मोदी सरकार जो है झूठा वादा करता है, झूठो बोलते हैं, इसमें इतना ही हम बोलते हैं। सिलेंडर मिला ही नहीं, जो किसी के फार्म भरा उनका भी कोई पास हुआ कोई नहीं हुआ, जो अभी तक ना कोई मैसेज भी नहीं भेजा, और जो इंसान को मिला भी है उनको फिर दोबारा उन्होंने बुकिंग कराया तो बुकिंग बोलता है नहीं होगा यार। जो है वो कॉलोनी के अंदर कम से कम 500-600 फार्म भरा, एक भी के पास नहीं हुआ। इतना सब बात है, इतना सब बात है।